सुन लेनी है आपने, फिर क्वेश्चन आपने रेज करने हैं बेटा। आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकेट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा आपने देखा होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बर्तन में चाय बना रहे हैं और आपने ये नीचे उसके चूल्हा जला दिया, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम उसको डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं और इस चीज का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको डेल्टा टी कहते हैं, तो बेटा मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं होता कि जितनी हीट आप ज्यादा बर्तन को देंगे उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसे ही होता है कि नहीं? पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आप उसके नीचे 5 मिनट बल्कि 1 मिनट चूल्हा जलाएं तो बेटा 10 से उसका टेम्परेचर 12 हो जाएगा, लेकिन आप 1 मिनट की बजाय अगर 50 मिनट चूल्हा जलाते हैं तो हो सकता है उसका टेम्परेचर 10 से 90 पे चला जाए। यानी डेल्टा क्यू हीट और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, बेटा इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये हो गया। फिर एक और चीज मुझे बताएं, अगर घर में एक छोटे बर्तन में चाय बनानी हो एक बंदे के लिए या बाहर बेटा 100 बंदों के लिए आपने एक देर जो है ना वो चाय की तैयार करनी है, तो देर का मैस ज्यादा है, फर्ज करें ये देर के अंदर जो पानी है वो है 50 किलोग्राम और ये जो छोटा सा बर्तन है इसमें फर्ज करें 2-3 बंदों की चाय बनानी है, पानी हमने भरा है इसमें 1 किलोग्राम, आपको क्या फील होता है, ज्यादा मास वाले को ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या कम मास वाले को ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी? कम मास वाले को, यानी हीट जो है जाहिर बात है देर करने के लिए पता कितनी लकड़ी लानी पड़ती है, सर ज्यादा ठीक है ना, ज्यादा को ज्यादा कम जी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यानी क्यू अमाउंट ऑफ हीट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होती है, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी जॉइन दीस टू इक्वेशंस देन ऑन द लेफ्ट साइड देयर विल बी डेल्टा क्यू और बेटा प्रोपोर्शन के साइन के दूसरी साइड पे एक आ जाएगा एम और एक आ जाएगा डेल्टा टी। फिर इसके अंदर एक और चीज है कि जब कभी भी व्हेनेवर यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन तो बेटा उसकी जगह पे इक्वल लगाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाता है और इस जगह पे जो कांस्टेंट आएगा वो बेटा कहलाएगा सी। तो इस तरीके से बेटा स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके जेन में वो बेटा समझ आ गई तो बहुत अच्छा होगा। फर्ज करें वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, कितना मास बेटा 1 किलोग्राम मास है और इसका टेम्परेचर आप कोई भी बता दे, कोई बच्चा बेटा बीच में से बता दे टेम्परेचर कोई भी रख ले, कोई वैल्यू बताए मुझे 50 डिग्री, ठीक हो गया बेटा 50, इसको केल्विन में बेटा करते हैं क्योंकि इसका 50 केल्विन कर देते हैं 50 केल्विन नहीं तो बेटा इस 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को हम अगर नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं चूल्हे से तो बेटा हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं और कितनी करनी है सिर्फ बेटा टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो फर्ज करें थोड़ा सा चूल्हा चलाने के बाद ऑब्जेक्ट जिसका बेटा टेम्परेचर आपने 50 केल्विन बताया वो थोड़ी देर के अंदर 51 केल्विन हो गया, तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर जो अमाउंट आपने बर्तन को प्रोवाइड की दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल सा बेटा, फिर मैं बोलता हूँ फिर आपको आप में से कोई बोलेगा
कि एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट को उसका टेम्परेचर एक केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आई? अगर यहाँ पे आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा डेल्टा क्यू ऊपर आ जाएगा। उसकी अगर यूनिट बनानी हो तो आप देखें डेल्टा क्यू बेटा एनर्जी होती है, इसकी दो यूनिट है जौल। ठीक हो गया? और डिवाइडेड बाय मास की यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में क्या होती है बेटा? किलोग्राम्स। और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। अगर आप बेटा जोल को ऊपर ही रहता है वो और नीचे से किलोग्राम और केल्विन को ऊपर लेके जाते हैं तो बेटा किलोग्राम पावर भी माइनस वन और केल्विन की पावर भी माइनस वन। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी? दैट इज जोल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा हो गया। इस सिचुएशन के अंदर मैं इस पर मूव करके वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैं वो बताता हूँ आपको, जरा देखिएगा। वाटर की जो पानी की स्पेसिफिक हीट है दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम बेटा पर केल्विन। ये है, इट मींस के पानी का अगर आपके पास एक किलोग्राम हो तो उसका टेम्परेचर अगर 60 केल्विन है और हमने उसको टेम्परेचर देकर सॉरी हीट देकर उसका टेम्परेचर कितना बना दिया 61 किलोग्राम एट दैट पोजीशन द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज गिवन टू 1 किलोग्राम वाटर विल बी 4200 जूल। यानी सिंपल सी बात, अगर वैल्यू ये रेड कलर में देखें और से देखें जरा ये रेड कलर में बेटा ये C is equal to 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बताते खुद सारा कुछ बता देता है कि अगर एक किलोग्राम पानी होगा उसका टेम्परेचर एक केल्विन आपको बढ़ाना है then you have to provide 42,000 जूल अमाउंट ऑफ हीट टू दैट वाटर। ठीक हो गया? जो साइल है ना हमारी मिट्टी उसकी C की वैल्यू होती है 810 जूल पर किलोग्राम। बेटा इसका क्या मतलब होगा जी? तो आप में से एक ग्राम साइल अगर हो मट्टी और उसका टेम्परेचर एक केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 810 जूल। और ये बेटा हमारा टोटल इसका टॉपिक था।